आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गोलियों के निशान, जो 1857 में जो गोलियां चली थी आपको देख सकते हैं, मतलब कितने ज्यादा निशान है, जितनी गोली ये देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक कब्र है, यहाँ पे भी एक कब्र है, यहाँ पे भी, तो मैं गिना नहीं सकता आपको कितने कब्र है यहाँ पे, मतलब देख जो जहाँ तक भी आप देखोगे सारे कब्र ही दिखाई देंगे। उसके लिए पूरा अलाउ है यहाँ पर, जो मर्जी जहाँ मर्जी जो करें, लेकिन वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए अलाउड नहीं है। हम लोग स्वागत है आपका हमारे एक नए और शानदार ब्लॉग में। एंड आज मैं चल रहा हूँ रेजिडेंसी में और वहाँ पे चल के आपको दिखाएंगे। और अभी मैं हूँ इस समय एक पार्क के पास, सूरज कुंडा पार्क है, तो लखनऊ में है ये, और चल रहे भी रेजिडेंसी, और वहाँ की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत हिस्टोरिकल चीजें हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने के लिए लेके चल रहा हूँ। और आप लोग कुछ इस तरह इस यहाँ का नज़ारा देख लो। और तो चल रहे हैं बस यहीं पास ही में है, तो हम पैदल ही चल रहे हैं। और आपको एंड गाइस ये देखिए यहाँ का कुछ नज़ारा कैसा, कितना अच्छा लग रहा है लखनऊ का। और बस रेजिडेंसी हम पहुँचने ही वाले हैं, पैदल ही चल रहे हैं। तो भाई साहब जा रहे थे ही रास्ते पे और हम लोगों को मतलब धूप लग रहा था, तो हम लोग सोचे यहाँ पे कुछ यहाँ पे नारियल का पानी पीते हैं और उसके बाद चलते हैं रेजिडेंसी। यहीं पे हम लोग पहले पानी पियेंगे उसके बाद चलेंगे। और यहाँ पे रुके थे पानी पीने के, तो यहाँ पे नारियल का पानी है और यही पास में रेजिडेंसी, तो यहाँ पे नारियल का पानी पीते हैं उसके बाद चलते हैं रेजिडेंसी, आपको वहीं पे डायरेक्ट अब मिलते हैं। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं रेजिडेंसी, आप लोगों को ये दिख रहा होगा रेजिडेंसी। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हम लोग एंटर कर चुके हैं रेजिडेंसी के अंदर, और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है, ये मेन गेट है, और यहीं से लोग जो सिपाही हुआ करते थे उस समय के लोग यहीं से अपनी निगरानी किया करते थे, तो ये सैनिक गेट भी कहा जाता था। और चलते हैं अभी इंटर करते हैं गेट से, उसके बाद अंदर की चीजें दिखाते हैं आप लोगों को। भाई साहब ये देख सकते हो इसका दरवाजा कितना बड़ा हुआ है, मतलब पहले के जमाने में इतने बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे इस गेट के। और ये देख लो आप लोग इस कुछ इस तरह है, ये गेट है, मेन गेट है। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये है डॉक्टर फेयर हाउस, जो कि यहाँ पे 1857 में जो लड़ाइयाँ हुई थी उस समय कुछ जवान जो शहीद हुए थे तो यहाँ पे उनकी इलाज हुआ था। और आप लोग देख सकते हैं ये मतलब अब एक खंडर की तरह दिख रहा है, मतलब पुराने जमाने मतलब पहले जमा 1857 में जो लड़ाइयाँ होती यहाँ के बहुत सारी निशानियाँ भी हैं। बता दें इसका जो निर्माण हुआ था 1780 में इसका स्टार्टिंग हुआ था, इसका निर्माण शुरू हो गया था, और जो कि आसिफुद्दौला ने इसको शुरू करवाया था। और 1797 ईस्वी में आसिफुद्दौला का मृत्यु हो गया था, उसके बाद सआदत अली शाह ने 1800 में इसको पूरा कम्प्लीट करवाया था रेजिडेंसी को, जो आपको लेके चले उस तरह वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब फायरिंग होती, बहुत सारे मतलब गोलियों की निशानियाँ हैं, तो सारी चीज़ें हम आपको लेके चल रहे हैं दिखाने के लिए। तो चलिए आ चुके हैं मैन बिल्डिंग पे, तो ये है मैन बिल्डिंग रेजिडेंसी का जो है, ये आप लोग देख सकते हैं ये है मैन बिल्डिंग। आप यहाँ पे मतलब अंग्रेज रहा करते थे पहले, और अंदर से दिखाते हैं आप लोगों को। भाई साहब हम लोग अंदर आ चुके हैं और अंदर का कुछ सीन देख सकते हो भाई साहब, मतलब पूरा पूरा एकदम खंडर की तरह दिख रहा है यहाँ पे, मतलब पहले बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बमबारे और गोले मतलब दागे गए थे। तो आप लोग दिखाते हैं आप लोगों को, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं पूरा खाली खाली दिख, यहाँ पे एक देख सकते हैं यहाँ पे छत भी नहीं है। तो आपको दिखाते हैं मतलब बहुत सारे यहाँ पे रास्ते भी हैं, और अलग अलग बताया जाता है यहाँ पे भूत भी आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे भूत भी रहते हैं। और ये देख सकते हैं वहाँ पे कुछ निशान है, टूटे हुए हैं दीवार, और ये सारे देख सकते हैं पूरे टूटे हुए हैं। और आपको इस तरफ लेके चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे छोटे छोटे दरवाजे भी हैं अंदर, बहुत सारे दरवाजे, लेकिन यहाँ पे छत नहीं दिखाई देगा आपको, अलग अलग दरवाजे, ऐसा लग रहा है भूल भुलैया में है, एक पे एक दरवाज़ा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे खाली है। तो चलते हैं अब दूसरी तरफ। इसमें कहीं भी मतलब सीमेंट वगैरह नहीं लगाया गया है, आप लोग देख सकते हैं सब वैसे ही लगी हैं, और इसमें पहले सीमेंट वगैरह होते भी नहीं थे। तो आप देख सकते हो 1857 में जो युद्ध हुआ था ना, तो बहुत सारे यहाँ पे मतलब गोले डाले गए थे, बहुत सारे लोग अभी यहाँ से डर रहे थे, मतलब यहाँ पे वीडियो बनाना मतलब अलाउ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो मतलब छुप छुप के बना रहा था कि कहीं मेरा वीडियो डिलीट ना करा, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर ऐसे ही हुआ है कि हमारा वीडियो ही डिलीट करा दिए। तब ये सिक्योरिटी गार्ड दो लोग घूम रहे हैं, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि हाँ यहाँ पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो बोले हाँ मोबाइल से बना सकते हो, कैमरा डीएसएलआर पे नहीं बना सकते। तो हम बोले तो मोबाइल से तो बनाना है, तो बोले बना सकते हैं आप लोग।
तो चलिए अब दिखाते हैं। अब ये देख लीजिए यहाँ पे, मतलब देखा हूँ यहाँ तो भाई ग्राउंड में भी बना हुआ है, ये देख लीजिए। अभी हम आ चुके हैं मुख्य भवन के बैक साइड में और आपको इस तरह दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ काम भी चालू है, तो यहाँ पे कुछ रेनोवेट हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब बम्बू लगे हुए हैं। मतलब जितना भी घूमेंगे आपको खंडर दिखेंगे, मतलब दवाले जो है टूटी फूटी दिखाई देंगी। और ये देखिए हमारे साथ एक तोप है, एक तोप नहीं यहाँ पे एक तोप है और एक तोप यहाँ पे भी है, दिखाते हैं आपको पास से। ये देखिए यहाँ पे एक तोप है। यहाँ पे वैसे कुछ है नहीं गलत चीज़ें, लेकिन यहाँ पे वीडियो बनाना मतलब पता नहीं क्यों यार मना करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपल लोग आते हैं इतनी गलत गलत हरकतें करते हैं, उसको मना नहीं करते, लेकिन यहाँ पे वीडियो बनाने आता है कोई तो उनको मना करते हैं। एक सर यहाँ पे आए थे ब्लॉगिंग करने के लिए और इनको मतलब वीडियो ही मना कर दिए, इनका ट्राइपॉड छीन लिया और बाहर लेके चले गए। मित्रों यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी टोटली प्रोहिबिटेड है, और यहाँ पे अगर कभी आते हैं तो अपना स्टिल कैमरा वीडियो कैमरा बाहर ही फेंक करके आइए। मतलब कपल लोग यहाँ पे आते हैं सब गलत हरकतें करते हैं, उनके लिए कुछ कपल्स नहीं के लिए पूरा अलाउ है यहाँ पर। हाँ, जो मर्जी जहाँ मर्जी जो करें, लेकिन वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए यहाँ अलाउड नहीं है। हाँ, हम लोग मतलब जो और वीडियो को खूब वायरल करें दोस्तों। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, क्योंकि हम लोग भाई अच्छा चीजें दिखाते हैं, अच्छी यहाँ के बारे में लोगों को बताते हैं, यहाँ की हिस्ट्रीज दिखाते हैं, तो मतलब मना कर देते हैं। और बाकी जो लोग आते हैं यहाँ पे बैठते हैं गलत चीजें करते हैं, उनके लिए अलाउ, अच्छे से घूम रहे बैठ रहे, इसके अंदर जब बिल्डिंग के अंदर हलोगे ना तो आपको मतलब सारे लोग देखेंगे अंदर क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे वीडियो बना दे तो वॉचमैन जो देखते हैं सिक्योरिटी देखते हैं वो हमारा मतलब कैमरा बंद करा देते हैं और मतलब बोलते हैं वीडियो बनाना मना है, लेकिन हम लोग मतलब बना रहे हैं किसी तरह, मतलब छुप छुप के इधर उधर से बना रहे हैं। आज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गोलियों के निशान, जो 1857 में जो गोलियाँ चली थी आपको देख सकते हैं, मतलब कितने ज़्यादा निशान, जितनी गोलियाँ चली थी इस बिल्डिंग पे आपको दिखा रहे हैं, ये देख लो ये सब गोलियों के निशान है। और यहाँ पे मतलब काम चालू यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, वरना देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे भी पूरा निशान है, गोलियों का निशान है, इस तरफ भी निशान है। ये जो देख रहे हैं ये कब्र जो है एक अंग्रेज का है, जिसका नाम था सर जॉन इंग्लिश, आप लोग देख सकते हैं। और पहले ऐसे कब्र बनाए करते थे, अंग्रेजों का कब्र कैसे हुआ करता है आप लोग देख लो, मैं तो फर्स्ट टाइम ये देखा हूँ, मतलब कुछ अचंभे में हो गया, मुझे लगा ही नहीं कि ये कब्र है, बाद में यहाँ पे आने के बाद देखा कि ये तो एक कब्र है। और वहाँ पे भी एक कब्र है जो कि सबसे बड़ा कब्र है, अंग्रेजों का सबसे बड़ा कब्र, तो अभी उस तरफ चलेंगे तो दिखाएंगे, पहले हम लोग इस तरफ चल रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखोगे मतलब जितने भी जहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे सिर्फ कब्रें ही दिखाई देंगी, ये देख लो मतलब यहाँ पे दूर दूर तक देखोगे तो सिर्फ कब्र ही दिखाई देंगी, आप लोग देख लो। तो आपको हमें पास में चल चल के दिखाता हूँ, आप लोगों को एक एक कब्र दिखाता हूँ, मतलब बहुत सारे मतलब छोटे बच्चों के, बड़ों के और जो भी बूढ़े थे, मतलब सारे लोगों की कब्र जो है यहीं पे है, और इस रेजिडेंसी के अंदर यहाँ पे एक ग्राउंड बना हुआ है तो सारे कब्र यहीं पे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी एक कब्र है, यहाँ पे भी एक कब्र है, यहाँ पे भी, मतलब मैं गिना नहीं सकता आपको कितने कब्र हैं यहाँ पे, मतलब देख दो जहाँ तक भी आप देखोगे सारे कब्र ही दिखाई देंगे। आज मैं आप लोगों को मतलब ज़्यादा मैं अपना फेस कैमरा नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब बैक से ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैं छुप छुप के वीडियो बना रहा हूँ, मतलब सिक्योरिटी को पता ना चले कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं पीछे से ही मैं दिखा रहा हूँ आपको, नीचे करके दिखा रहा हूँ एक एक चीज़ें, क्योंकि उसको पता चलेगा तो मुझे पता कि वो मेरा वीडियो डिलीट करा देगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत बार हो चुका है, क्योंकि मेरा वीडियो बन चुका है और अंत में ऐसा होता है कि आके मेरा वीडियो डिलीट करा देते हैं, जब वीडियो डिलीट करा देते हैं तो बहुत सारा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है यार, तो इसलिए हम थोड़ा सेफ्टी भी देख रहे हैं ना, क्योंकि वीडियो डिलीट हो जाता है तो बहुत दुख होता है, आपको पता है कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, देख रहे हो मेरे पसीना, ये देख सकते हो मेरा पूरा शर्ट पसीने से पूरा गीला हो चुका है, आप लोग ये देखिए यहाँ पे भी कब्र हैं सारे, और ये देखिए कब्र, मतलब हम कब्र वाले पूरा जो बाउंड्री उसे में घूम रहे हैं, ये सारा जहाँ पे देखेंगे सब कब्र ही है। चलिए अब हम आपको लेके बाहर चलते हैं और बाहर दिखाते हैं जो सबसे बड़ा वो सरदार थे वो अंग्रेज का, वो उसका मैं कब्र दिखाने जा रहा हूँ आपको अभी। एक म्यूजियम भी है तो अभी मतलब चलेंगे वहाँ पे देखने के लिए, लेकिन आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि म्यूजियम के अंदर फ़ोन एकदम से अलाउ नहीं है, और यहाँ पे तो हम बना लिए अंदर रहेंगे तो नहीं बना पाएंगे। ये देख लो ये जो मेरे सामने दिख रहा है ये म्यूजियम है, यहाँ पे मतलब बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, बहुत सारे यहाँ पे घर बने हुए थे, तो जबकि मतलब पहले के ज़माने में, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सब जितने भी घर थे सारे टूट चुके हैं, आप लोग देख लो ये यहाँ पे, और एक ये देखो पूरा मतलब ये मैदान सा दिख रहा है आंगन जैसा, और ये एक गेट है, और इस पर स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आपको पास चल के दिखाते हैं। धूप यार इतना ज़्यादा है कि क्या बताएं, मतलब
ये देख रहे हो मतलब पूरा, मतलब ये अंदर से पूरा पूरा ये भीज गया है, मतलब पूरा ये शर्ट पूरा गीला हो चुका है। ये देखो इसका स्ट्रक्चर, जो डिजाइन बनाया गया इस गेट का, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। और इधर भी दिखाते हैं आपको, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, मतलब इसमें जो लगी हैं लाल बालू और लाखोरी इतने से बनी हुई है सारे दीवारें हैं। और इस तरफ भी दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये देखिए, मतलब जितना भी आप घूमोगे सब में इसे दिखाया जाएगा। मतलब जो लड़ाई हुआ था उसके बाद मतलब पूरा जो रेजिडेंसी है सब टूट फूट गया था, और वहीं का ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं आज दिखाने के लिए लाया हूँ। और इस तरफ देख लो, यहाँ पे मतलब बागीचा है और वहाँ पे एक सिक्योरिटी है, मतलब हम कैमरा घुमा लें वरना वीडियो आ जाएगा। और तो भाई साहब पूरा रेजिडेंसी हम लोग घूम चुके हैं, जो कुछ भी था आपको दिखा चुके हैं, बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको एक नए और फ्रेश वीडियो में।